गणेश जी अगर लेकर आ रहे हैं तो बैठी हुई मूर्ति लेकर आए, और गणेश जी लाए मना नहीं है, गणेश जी जब लेकर आए तो घर में बिठाने के लिए ला रहे हैं, तो राइट सूंड का गणेश लेकर आए, सीधी हाथ का, आपका सीधा हाथ देख लेना, उसी के हिसाब से गणेश जी को अपनी ओर रखकर, या गणेश जी का सीधा हस्त कमल देख लेना, आपका तो उल्टा मान्य होगा जब आप देखेंगे, तो गणेश जी का जो सीधा हस्त कमल हो उस साइड अगर गणेश जी की सूंड है तो वो सूंड का गणेश घर के अंदर विराजमान हो, उल्टी सूंड का गणेश, लेफ्ट सूंड का गणेश, ये गणेश व्यापार व्यवसाय फैक्ट्री दुकान बिजनेस ऑफिस जगह पर विराजमान हो। उल्टी सूंड का गणेश बहुत कम पक पाता है या मिट्टी का बन पाता, और यदि आपने अपने हाथों से भी उल्टी सूंड का गणेश मिट्टी का बनाया तो 10 दिन पूजन करोगे, 10 दिन के अंदर वो मूर्ति वो सूंड वो गणेश जी चटक जाएगा, उल्टी सूंड का गणेश टिकता ही नहीं है, वो बीच में से खंडित हो ही जाए। सीधी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए महाराज मंत्र की 50 माला करना पड़ती है, तो समझ लो सीध उल्टी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए मात्र 5 माला में भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात उल्टी सूंड का गणेश शीघ्र प्रसन्न होता है। महाराज ब्रजमंडल में जब कभी जाओ, मथुरा के पास में वृंदावन से आगे लोहवन पड़ता है, और लोहवन में जाकर थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर अपने ऊपर से 21 बार उतार कर लोहवन में भगवान शिव का स्मरण कर यमुना का स्मरण कर विष्णु और कृष्ण का स्मरण कर वो तेल सामने एक मूर्ति मिलेगी जिसका शीश नहीं होगा, उस मूर्ति पर चढ़ा देना। आप मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, आप दुकान खोल रहे हो, चल नहीं रही है, आपका चित्तवृत्ति, आपके जीवन में सफलता आई नहीं रही, तो कहीं मत जाइए। आपके जीवन में 25 बार अंगूठी बदल के देख लिया, कभी पुकराज पहन लेते, कभी मोती पहन लेते, कभी नीलम पहन लेते, कभी कोई महाराज ने कहा तो ये कर लिया, कभी कोई महाराज बोला तो ये कर लिया, फल नहीं मिले, कहीं मत जाओ, कुछ मत पहनो, उसकी शरण में जाओ, उसकी शरण लो, बन जाए वहां विनय करो, 10-15 मिनट बैठ लो, भजन करो, यमुना जी का स्तमन करो, शिव का नाम जाप करो, शंकर का भजन करो, और वह सरसों का तेल 21 बार स्वयं उतारो, स्वयं चढ़ा दो, आओ वापिस, उसके बाद तुम किसी कार्य को करोगे तो सफलता जल्दी मिलेगी, काम अटकेंगे नहीं।